जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा के लिए ये नारे लग रहे हैं उनके अपने गांव में यूपी के बुलंदशहर में। भारत माता की जय हिंद। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा बुलंदशहर के परवान गांव के ही रहने वाले थे। शहीद कर्नल का अपना परिवार बुलंदशहर से करीब 350 किलोमीटर दूर जयपुर में रहता है, जो बेटे की शहादत के बाद शोक में डूबा हुआ है। कर्नल आशुतोष शर्मा के घर में हूँ, आप देख सकते हैं शहीद कर्नल आशुतोष की बेटी, उसके अलावा वीरांगना उनकी पत्नी पल्लवी जी, भाई और 80 वर्षीय माँ के साथ बहन भी बैठे हुए हैं। ये पूरा परिवार कर्नल आशुतोष शर्मा का, जो कि मूलतः बुलंदशहर के रहने वाले हैं लेकिन परिवार पिछले लंबे अरसे से इसी जगह पर रह रहा है। इस वक्त परिवार में निश्चित तौर पर जिस तरीके का माहौल होना चाहिए, गम का, हम देख सकते हैं। शहीद कर्नल की पत्नी और बेटी की 2 दिन पहले ही उनसे बात हुई थी। वो बता रही हैं कि उन्हें कुछ अनहोनी का अंदेशा पहले ही हो गया था। मैं फोन कर रही थी यूनिट में, तो पता चल रहा था कि कहीं पे वो फंसे हुए हैं, और जब इतना लंबा टाइम हो जाता है फंसे हुए तो आपको लग जाता है कि कुछ सही नहीं है। मेरी फर्स्ट मई को हुई थी, तब 21 RR का 26th रेजिंग डे था, तो मैंने उनको विशेस देने के लिए फ़ोन किया था दिन में अराउंड लंच से पहले। उसके बाद वो चले गए थे अपना ऑपरेशन के लिए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के चंगुल में फंसे एक परिवार को बचाने के लिए सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाया, उसको कर्नल आशुतोष शर्मा ही लीड कर रहे थे। कर्नल आशुतोष अपने साथियों के बीच टाइगर नाम से चर्चित थे। उन्हें बहादुरी के लिए 2 बार सेना का मेडल भी मिल चुका था। उनके भाई बताते हैं कि फौज को लेकर कर्नल आशुतोष किस कदर जुनूनी थे। उसके एरिया में ऑपरेशंस चलते रहते हैं, काफी सेंसिटिव एरिया था। वो भी बहुत पैशनेट आर्मी ऑफिसर था, अपनी यूनिट के लिए, 21 राष्ट्रीय राइफल के लिए, अपनी ब्रिगेड ऑफ दी गार्ड्स, 19 गार्ड्स जिस यूनिट से था वो, उसका बहुत फख्र था उसको। तो हमेशा बस बात ही हम लोग आर्मी की करते थे। शहीद के परिवार में पत्नी और बेटी के अलावा 80 साल की माँ, बड़े भाई पीयूष और बहन नूतन भी है। शहीद कर्नल ने 28 अप्रैल की सुबह अपनी माँ के लिए अपने भाई को एक कविता लिखकर भेजी थी, जिसे उनके भाई ने ये कविता हमें पढ़कर सुनाई। वो अक्सर घर को संभालती संवारती रहती है, मेरी माँ मेरे आने की राह निहारती रहती है। लौट कर आऊंगा पंछी की तरह एक दिन, वो इसी उम्मीद में जिंदगी गुजारती रहे। Thank you.
कर्नल आशुतोष शर्मा के पार्थिव शरीर को सोमवार को जयपुर लाया गया और उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उन्हें लोगों ने आखिरी सलाम करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें परिजनों ने नम आंखों से विदाई दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शहीद कर्नल आशुतोष को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। रविवार को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में भारत के 5 बहादुर जवानों ने अपनी जान गंवा दी। आतंकी मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के 2 अफसर समेत 5 जवान शहीद हुए। इस मुठभेड़ में जवानों ने 2 आतंकियों को भी मौत के घाट उतार दिया। रविवार को हुई इस आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों में कर्नल आशुतोष शर्मा का नाम भी शामिल है, जो हंदवाड़ा में ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा इससे पहले भी ऐसे कई ऑपरेशन लीड कर चुके थे, जिसके लिए उन्हें वीरता के 2 गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुके हैं। हंदवाड़ा के इस एनकाउंटर में आशुतोष शर्मा के शहीद होने की खबर रविवार सुबह उनके परिवार को मिली। खबर सुनने के बाद परिवार को अचानक से धक्का तो लगा, लेकिन इस परिवार को कर्नल आशुतोष की शहादत पर गर्व है। उनकी पत्नी पल्लवी शर्मा का कहना है कि सेना की यूनिफॉर्म आशुतोष शर्मा के लिए जुनून थी और उन्होंने जो किया वो उनका निर्णय था। ऐसे में हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनके सर्वोच्च बलिदान पर आंसू बहाएं। हमें उनकी शहादत पर गर्व है। एक जवान को अंतिम विदाई दी जा रही है। अमर जवान ज्योति की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर हंदवाड़ा में शहीद हुए 3 जवानों को सलामी दी जा रही थी। जुलाम मेजर अनुज सूद को जयपुर में कर्नल आशुतोष शर्मा को नमन किया जा रहा है और तिरंगा थामे उनकी पत्नी, आशुतोष शर्मा की पत्नी। कभी कमज़ोर पड़ती दिखाई देती हैं, आंसू छलकते हैं, कभी खुद को एकदम से थामती, ऐसी मजबूत कि जितना मजबूत उनका पति, जैसा जज्बा पति का, उससे कहीं ज़्यादा उनकी पत्नी पल्लवी का। और परिजनों से बात करते हुए और उन तमाम किस्सों को शायद एक बार फिर से आपस में शेयर करते हुए, वो किस्से जो आशुतोष शर्मा, कर्नल आशुतोष शर्मा के शौर्य को बयां करते हैं, उनके सफ़र को बयां करते हैं, जिसमें कई सारे पुरस्कार उनके नाम रहे, कई सारे सम्मान उनके नाम रहे, कई बड़े ऑपरेशंस को लीड उन्होंने किया था, कई बड़े ऑपरेशंस में आतंकियों का सफाया किया था। एक्सपर्ट थे वो, क्योंकि पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वो देश की सेवा करते थे। और ये फैमिली भी पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। नहीं तो आसान नहीं होता है ऐसे अपने सबसे खास को विदाई देना। एक माँ के लिए उसके कलेजे के टुकड़े को विदाई देना, एक पत्नी के लिए अपने सुहाग को ऐसे छोड़ देना, अपने प्रीतम की एक छवि को जहन में बसाकर दूर खड़े होकर उसको यूं जाते देखना। और देखिए, जो लोग शायद उनकी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। मुखाग्नि दे दी गई है यहाँ पर कर्नल साहब को। भाई और पत्नी ने मिलकर मुखाग्नि दी।
हाथ जोड़कर नमन किया जा रहा है, क्योंकि अब दैहिक तौर पर सिर्फ राख है, सलामी दी जा रही है। लेकिन कर्म कहते हैं कि आपके जाने के बाद आपके कर्म ही आपकी उपस्थिति को बताते हैं, और कर्नल साहब ने जो कुछ किया ता उम्र याद किए जाएंगे। जो लोग भी इस पल के गवाह बन रहे हैं वो हमेशा याद करेंगे। और अब देखिए आखिरकार सब्र का बांध टूट पड़ा, परिजनों का बहुत रोकना कि जब तक उनकी विदाई नहीं होती तब तक नहीं आंसू छलकेंगे। एक योद्धा की विदाई भी उसी भाव के साथ होनी चाहिए जिस भाव के साथ वो जंग के मैदान में जाता है। और आज सबकी आंखें नम हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश भी बने हुए हैं। नरेश, खत्म हो गया है सब यहाँ पर, लेकिन शायद एक नई शुरुआत भी है, इसे कहें हम तो। बिल्कुल सुषमा, यहीं तक का साथ था आशुतोष का इस मिट्टी के साथ, और अब मिट्टी में ही जहाँ से वापस उन्हीं पंच तत्वों में विलीन होते जा रहे हैं। मुखाग्नि दी गई है, और जैसे ही मुखाग्नि दी गई तो परिजनों का जो सब्र जो है वो भी टूटता नजर आया है। हम देख रहे हैं कि परिजन बिलख रहे हैं, आंखों में आंसू है, लेकिन फिर खुद को हिम्मत देते हैं, सीना चौड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुषमा, क्षण ही ऐसा है, ये मौका ही ऐसा है कि हर कोई यहाँ आके टूट जाता है, हार मान लेता है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इन परिजनों का सिर आज गौरव से ऊंचा करके गया है आशुतोष। भले ही हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए, उनसे मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और यही एक कह सकते हैं सबसे बड़ा मौका दे के गए हैं इन परिजनों को, कि जब वो हमेशा जो आशुतोष का जो नाम है वो उन वीरों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण नौछावर किए, दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राण नौछावर किए। मुखाग्नि देने के साथ ही देख रहे कि बाहर नारेबाजी भी चल रही है, शहीद आशुतोष अमर रहे, भारत माता जिंदाबाद, ये नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और चलिए नरेश, शुक्रिया। ये शुक्रिया कहने का वक्त कर्नल साहब के लिए भी है। जाइए, जाते हैं आप तो जाइए, लौट कर फिर आइएगा किसी और रूप में, क्योंकि आप जैसों की ही ज़रूरत हमें हमेशा रहेगी।